गाइस वेलकम अगेन। अभी मैं हूँ ब्रुसेल्स मेरी के स्टेशन में और हम जा रहे हैं हमारे न्यू डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन बहुत ही एक्साइटिंग एंड अमेजिंग प्लेस है, तो वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये है ब्रुसेल्स मेरी का, तीन स्टेशन है, तो ये है ब्रुसेल्स मेरी का स्टेशन। तो हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी, यहाँ से हम जा रहे हैं जर्मनी। जर्मनी इज़ नॉट द मेन डेस्टिनेशन, जर्मनी से हम सेकंड ट्रेन लेंगे हमारा मेन डेस्टिनेशन के लिए। हमारा मेन डेस्टिनेशन जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे मैं आपको एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाती हूँ। इसको हमने प्लग इन किया, ये ग्रीन एनर्जी, उसको आप ऐसे करोगे तो आपका फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट सब चार्ज होगा। हमारी ट्रेन ये आ गई अभी, तो ये है कोच नंबर 29, यहाँ पे हमारा है। नंबर कितना था? कितना? ओके 21, 22। तो ये है सीट नंबर, ये 21 एंड 22 हमारा है। हेलो, एयरपोर्ट का स्टेशन, यहाँ से भी कुछ पैसेंजर चढ़ रहे हैं। और इससे पहले गया ब्रुसेल्स चैपल स्टेशन। तो ब्रुसेल्स के ये तीन बड़े बड़े स्टेशन हैं, ब्रुसेल्स मिडी, ब्रुसेल्स चैपल और ब्रुसेल्स एयरपोर्ट। तो अभी हम जर्मनी बॉर्डर में पहुँच गए हैं, बेल्जियम हमने लेफ्ट कर दिया, और भी 1 आवर है डेस्टिनेशन के लिए। तो 1 आवर के बाद हम हमारे सेकेंड स्टॉपेज में पहुंचेंगे। अभी हम जर्मनी के ये स्टॉपेज में थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेन लेंगे। तो ये हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन वाला ट्रेन में हम आ गए। ये ट्रेन में देखिए लगेज रखने के लिए कैसा है। अभी हम हमारे सीट के पास जा रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्लास के रूम। ये देखिए, ये स्क्रीन बोर्ड पे आपको ये ट्रेन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ट्रेन नंबर ICE जो है वो है ट्रेन नंबर 284 किलोमीटर पर आवर। ये है ये ट्रेन की स्पीड, इतने स्पीड में अभी ये ट्रेन जा रही है, बहुत फास्ट जाती है ये यूरोप की ट्रेन। और 921 टाइम, और नीचे उस सारे स्टॉपेज का उसने डिटेल्स। अभी हम पहुंच गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो है ये है हमारा सेकंड डेस्टिनेशन ब्रुसेल्स SBB। मतलब अभी हम स्विट्ज़रलैंड में पहुँच गए हैं। और ये बासेल एक ऐसी प्लेस है जैसे यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड तीनों का बॉर्डर यहीं पे है, मतलब तीनों के बॉर्डर कनेक्ट होता है ये बासेल्स में। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच तो गया, लेकिन हमारा ट्रेन जो कनेक्टिंग ट्रेन था वो मिस हो गया है, क्योंकि ये ट्रेन थोड़ा हमें लेट पहुँचाया और दोनों ट्रेन में ओनली 10 मिनट्स का डिफरेंस था, तो इट वॉज हार्ड टू कैच। सो अभी नेक्स्ट वही ट्रेन वो लोग 1 आवर के बाद दे रहे हैं, तो वी आर स्पेंडिंग 1 आवर हियर। तो अभी भूख भी लगी है, साइड में बिस्तरों कैफेटेरिया एरिया है, तो वहाँ से कुछ लंच कर लेंगे। ये है उनकी स्टेशन, इसको बोलते हैं ब्रुसेल्स SBB।
और यहाँ पे अभी यूरो करेंसी यूरो नहीं काम करेगा, यहाँ पे सब स्विट्जरलैंड का करेंसी यहाँ से स्टार्ट हो गया। स्विट्जरलैंड के करेंसी को बोलते हैं स्विस फ्रैंक। सो स्विस फ्रैंक और यूरो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली सेम वैल्यू है। सो बट वो लोग कोई चीज़ आप परचेज करते हो तो यूरो पे बाय कर सकते हो, लेकिन वो लोग पैसा अगर रिटर्न करना है तो फिर उनके करेंसी जो स्विस फ्रैंक है उसमें रिटर्न करेंगे, आपको यूरो नहीं देंगे। सनी है लेकिन ठंड बहुत है, 3-4 डिग्री है, तो सब बाहर ऐसे बैठ के सनी डे का एंजॉय कर रहे हैं। ये है स्विट्जरलैंड की मैप। अभी हम यहाँ पे हैं बसल्स एसपीजी, यहाँ पे हमें यहाँ पे जाना है इंटरलेकेन, तो हमें यहाँ पे जाना है। तो ये है उनके स्टेशन, स्विस चॉकलेट, स्विट्जरलैंड की जो फेमस चॉकलेट, स्विट्जरलैंड फेमस है चॉकलेट के लिए, और यहाँ पे उनका हमको मिल जाएगा शॉप। तो वो सारे जो नंबर लिखे हैं वो सब है प्लेटफॉर्म नंबर 11, 12, 9, 10, 7, 8, 5, 6, ऐसे ही हमें हमारा ट्रेन आएगी नंबर 5 में। तो अभी टाइम है इसलिए हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ का स्टेशन, फिर जैसे टाइम होगा हमें नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। ये है कूप, यहाँ का लोकल सुपरमार्केट, जो सबसे बड़ा सुपरमार्केट है वो है कूप। जैसे यूएस में वॉलमार्ट रहता है, यूरोप में लिडिल रहता है, वैसे यहाँ पे स्विट्जरलैंड में कूप है। दो सीट है लेकिन आप आराम से 3 जन बैठ सकते हो। स्नोरिंग कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, सामने एक दादू बैठ के स्नोर कर रहे हैं और इधर इवान स्नोर कर रहे हैं, दोनों के बीच स्नोरिंग कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पे कितना टनल है, ये 6th या 7th नंबर टनल होगा, बहुत सारा माउंटेन है इसीलिए टनल्स भी बहुत आ रहे हैं। अब हम पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन, ये जो स्टेशन देख रहे हैं ये है इंटरलेकेन का मेन स्टेशन। तो यहाँ से हमें विंडर्सविल जाना है, वहाँ पे हमारी होटल बुकिंग है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ इंटरलेकेन में क्या क्या विजिटिंग प्लेस है और ये जगह स्विट्ज़रलैंड में इतने फेमस क्यों है, और हम एक्सप्लोर करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड को धरती का स्वर्ग क्यों बोला जाता है। बाहर का थोड़ा व्यू देखिए स्टेशन से। So see you guys on my next episode. Till then, take care. Bye bye. And don't forget to like and share.